एवरीवन, कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों में आइसक्रीम के बिना तो हमारी गर्मियाँ अधूरी हैं, तो चलिए फिर सबकी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाना हम शुरू करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। अब हमको इसमें एक कप दूध डालना है और थोड़ा सा दूध मैंने इसमें बचा लिया है, हमको सारा इसमें नहीं डालना है। बचे हुए दूध को हमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमको जो दूध है इसको बॉयल आने तक गैस पर कुक करना है। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तब तक जो हमने बाउल में दूध बचा के रखा था उसमें हम एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रह जाए। दूध में भी बॉयल आ चुका है। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर बनाया था उसको एक बार चलाकर हमको इसमें दूध में ऐड कर देना है और इसको आपको लगातार चलाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, क्योंकि जो अरारोट है वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। तो आपको इसको लगातार चलाना है, बिल्कुल एकदम क्रीमी पेस्ट इसका हमको बनाना है। इस पेस्ट को लगभग हमें 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि जो अरारोट का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब हमको यहाँ पर आधा कप पाउडर शुगर ऐड करनी है। शुगर आपको इसी टाइम पर ऐड करनी है, आपको स्टार्टिंग में नहीं करनी है, नहीं तो हमारा दूध फट सकता है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी कुछ कम कर सकते हैं। ये अच्छे से थिक हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगभग हमको रूम टेम्परेचर पर इसको बिल्कुल ठंडा करना है। जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने एक कप व्हिप्ड क्रीम लेनी है, बिल्कुल चिल्ड। आपको यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ही यूज़ करनी है, फ्रेश क्रीम नहीं यूज़ करनी है। अब इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम स्पीड पर हमको इसको बीटर से बीट करना है। आपकी क्रीम में क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्रीम बीट करने में लगभग हमको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। फिर आपको हल्के हल्के स्पीड इसकी बढ़ाकर इसको एक बार हमको और चलाना है और दोबारा से इसको फिर बीट करना है। लगभग 5 से 6 मिनट में हमारी क्रीम अच्छे से आइसक्रीम के लिए बीट हो जाएगी। हमको इसको ओवर बीट नहीं करना है जिस तरीके से हम केक में करते हैं। लिक्विडी फॉर्म में ही हमें इसकी थिकनेस को रखना है इस तरीके से। अब जो हमने दूध का मिक्सर रेडी किया था वो इसमें हमें ट्रांसफ़र कर देना है। आपको इसमें बिल्कुल भी गुनगुना दूध भी ऐड नहीं करना है, इसको आपको बिल्कुल ठंडा करके ही लेना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच बटर स्कॉच क्रश, अगर आपके पास बटर स्कॉच क्रश अवेलेबल ना हो तो आप बटर स्कॉच एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास बटर स्कॉच क्रंचेज हैं, इसको भी मैं इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लगभग 2 मिनट के लिए हमें इसको और बीट करना है। अब अगर आप चाहें तो आप इसमें एक ड्रॉप फूड एसेंस कलर डाल सकते हैं, ये येलो कलर है, इससे आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके भी कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट इसको और बीट करना है हमें मीडियम स्पीड पे, ताकि जो क्रश और कलर है वो अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक एयरटाइट बॉक्स लिया है, इसमें आइसक्रीम के बैटर को अच्छे से ट्रांसफ़र करने के बाद इसको 3 से 4 बार हमको इसको टैप करना है। टैप करने से जो भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब इस बॉक्स को अच्छे से बंद करके हमें लगभग इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है। 3 घंटे के बाद इसको दोबारा बीट करना है। 3 घंटे हो चुके हैं। अब इसको दोबारा से एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हमें और बीट करना है। इससे जो है वो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट की तरह क्रीमी बनेगी, तो आपको ये प्रोसेस करना है।
इस टाइम पे आपको अपने बीटर की जो स्पीड है वो मीडियम पे रखनी है। दो से तीन मिनट के बीट करने के बाद हमको आइसक्रीम वाले बॉक्स में इसको दोबारा से ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसमें ये बटर स्कॉच क्रंचेज हैं, ये ऊपर से हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब हमको इस बॉक्स को 6 से 7 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट रखने के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अब इसको आइसक्रीम वाले स्पून से अब हमारी जो आइसक्रीम है वो सर्व करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। इसको आइसक्रीम बाउल में निकाल के देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी क्रीमी बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह। सर्विंग बाउल में निकाल के इसके ऊपर बटर स्कॉच क्रंचेस से गार्निशिंग करके ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।